हेलो स्टूडेंट्स, कैसा गया सभी का पेपर? बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि जो आपको पढ़ाया गया, जो आपको बताया गया था कि पढ़ लो, यही यही एग्ज़ाम में आएगा, वही वही आपके एग्ज़ाम में आया है। कुछ बच्चे अब थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको बताया जा रहा है। ये बेसिक नहीं पढ़ाया जा रहा, बेसिक आपको अभी 1 अप्रैल से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक? कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ दिस। तो कहते नहीं हो कि उसने मुझे ये डायरेक्टली बोल दिया, उसने मुझे यह इनडायरेक्टली बोल दिया। तो किसी बात को डायरेक्ट माने डायरेक्ट बोलना, नरेशन माने होता है बेटा कथन, बात को कहना। किसी बात को डायरेक्टली बोलना, प्रत्यक्ष रूप से बोलना डायरेक्ट नरेशन होता है, और किसी बात को इनडायरेक्टली बोलना इनडायरेक्ट नरेशन होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बोलना ही इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आपको पता चल गया, ठीक? अब चलते हैं उसका जो सबसे बेसिक है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव माने क्या होता है? असर्टिव माने बेटा होता है साधारण। साधारण मतलब राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, आई विल हैव डन दिस वर्क, ये जितने सेंटेंस होते हैं ये सारे के सारे साधारण होते हैं, असर्टिव होते हैं। असर्टिव में दो सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। अफर्मेटिव होता है ही गोज टू मार्केट, निगेटिव होता है ही डज नॉट गो टू मार्केट। दोनों ही असर्टिव हैं, लेकिन एक अफर्मेटिव है और एक निगेटिव है। दोनों ही साधारण है, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। दो वाक्य होते हैं, ठीक है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको पता चल गया क्या होता है। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी बात पूछी जाती है आपसे, सर जी आपको भी नहीं पता होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो सेंटेंस बनते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो सेंटेंस बनते हैं वह किसमें बनते हैं? तो आपको बता दो बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी सेंटेंस बनते हैं वह सारे के सारे नाउन क्लॉज बन के लगकर बनते हैं। एक सावधानी याद रखना उसमें, बहुत ही जरूरी है, वह कंजंक्शन लगकर अगर बना है। कंजंक्शन माने क्या होता है? लगाते नहीं हो, दैट लगाते हो, इफ लगाते हो, डब्ल्यू एच वर्ड लगाते हो, ये जितने भी कंजंक्शन लगकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वह सारे के सारे क्या बनते हैं? नाउन क्लॉज बनते हैं। नाउन क्लॉज बनते हैं, नाउन क्लॉज पढ़ाएंगे आगे, लेकिन यह आपको अगर कंपिटेटिव एग्जाम दोगे तो यह आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब कितने जो भी सेंटेंस बनता है वह किस में बनता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शनों में एक होगा नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज से ही बनता है, ठीक है? चलते हैं आप असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। हाँ, असर्टिव सेंटेंस में बेटा क्या होता है, सबसे जरूरी चीज, दो हिस्से होते हैं। अरे ये कलर अच्छा नहीं है, काला ले लेते। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, ध्यान से देखना, एक होता है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब माने क्या होता है? ही सेड, ही सेज, राम सेज, सीता सेज, सीता सेड, माय मदर सेड टू मी, माय मदर विल से टू मी, इस तरीके जो लिखा होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड माने लिखाना। अरे थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाते हो अपनी, वही है अपनी बात को लिखना, रिपोर्ट करना। स्पीच माने बोल, रिपोर्टेड स्पीच माने जो वाक्य कहा जा रहा है उसको, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो हिस्से होते हैं। इसमें बेटा जान लो, पाठक ने पूरी अंग्रेजी ग्रामर कई पॉइंट पे सेट कर रखी बेटा, 4। अगर उस 4 पॉइंट पर आपने ध्यान दे दिया, कितने पॉइंट बेटा? 4 पॉइंट। अगर उन 4ों पॉइंट, सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे, पूरे ग्रामर में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें सिर्फ 4 पॉइंट पे ध्यान देना है। अगर उन 4 पॉइंटों पे ध्यान दे दिया,
दुनिया का बड़ा सा बड़ा वाक्य होगा तुम्हारे लिए, ऐसे चुटकियों में बनेगा। कैसे बनेगा? चुटकियों में बनेगा। कैसे बनेगा? एकदम साधारण है। इसमें भी आपके चार पॉइंट है, कैसे ध्यान से देखो। पहला यहां पर होगा रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, ठीक है। दूसरा यहां पर होगा जिसको आप लोग कंजंक्शन कहते हो। क्या कहते हो बेटा? कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद तीसरा पॉइंट बेटा यहां पर होगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट ना इसमें होगा ना इसमें होगा, इसी के आगे होगा, इस रिपोर्टेड स्पीच में। फिर से ध्यान दे लो, चौथा पॉइंट जो है वह रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी हो सकता है। हम मान लेते हैं यहां पर है, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कहां पर है? यहां पर है। लेकिन वह रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। इन्हीं चार पॉइंट पर ध्यान देना है। कौन कौन सा? पहला है रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, दूसरा है कंजंक्शन, तीसरा है बेटा टेंस, चौथा है बेटा पर्सन। इन चार पॉइंट पर अगर आपने ध्यान दे दिया, कितने बेटा? चार पॉइंट पर अगर ध्यान दे दिया, दुनिया का कठिन से कठिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, आप ऐसे ऐसे चुटकियों में बना लो। कैसे बना लो? एकदम हलवा है आपके लिए। कौन कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन। ये चार पॉइंट पर ध्यान दे लेना बेटा, दुनिया का कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, आप बहुत आसानी से बनाओगे, ठीक है। तो इन्हीं चार पॉइंट पर ध्यान देना है, समझ में आ गया। अब फिर से देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जहां पर लिखा होता है ही सेज, राम सेज, सीता सेज, गीता सेज, मीता सेज, माय मदर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, ये जहां पर लिखा होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस तरफ जो लिखा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चार पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यही चार पॉइंट होते हैं। चौथे नंबर का जो पॉइंट होता है वह रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी हो सकता है। अब पहला पॉइंट क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, दूसरा कंजंक्शन, तीसरा टेंस और चौथा पर्सन। पहला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, दूसरा क्या है? कंजंक्शन, तीसरा क्या है? टेंस और चौथा क्या है? पर्सन। ये चार पॉइंट पर ध्यान दे दिया, दुनिया का बड़े से बड़ा वाक्य भी आपके लिए हलवा हो जाएगा। अब चलते हैं कहां पर कैसे ध्यान देना है, ठीक है, चलते हैं। ये है आपका पहला पॉइंट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो रही है, इसको बंद कर दिया जाता है। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब पहला पॉइंट है, सबसे जरूरी पॉइंट। अगर बेटा से है, क्या है? से है, तो से ही रहेगा, ठीक है। से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा। फिर से सुनो, से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा। इसमें डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाओगे और रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो इनडायरेक्ट में भी से रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज है तो इनडायरेक्ट में भी सेज रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो इनडायरेक्ट में भी क्या रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब सेड ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, से टू हो तो टेल कर देना, सेज टू हो तो टेल्स कर देना, सेड टू हो तो क्या कर देना? टोल्ड कर देना। क्या कर देना बेटा? टोल्ड कर देना। सेज है तो सेज ही रहेगा इनडायरेक्ट में, से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा, से टू है तो टेल रहेगा, सेज टू है तो टेल्स रहेगा, सेड टू है तो टोल्ड रहेगा। तुम में से कौनो नहीं पूछेगा ऐसा क्यों हुआ कि सर जी यहां से है तो से रहने दिया, सेज है तो सेज रहने दिया, सेड है तो सेड रहने दिया, लेकिन से टू को टेल में क्यों बदल दिया, या सेज टू को टेल्स में क्यों बदल दिया, या सेड टू को टोल्ड में क्यों बदल दिया? कौनो नहीं आप में से पूछेगा। इक्का दुक्का जो बच्चे होंगे उनके अगर खुरापात मन में आएगी तो पूछ लेंगे, लेकिन ये सबसे जरूरी बात है बच्चों कि इसमें आपको पूछना चाहिए कि सर जी यहां पर तो आपने नहीं बदला, यहां पर क्यों बदल दिया। तो बेटा एक चीज जान लो, हम आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में सुनाते हैं। से एक ऐसी वर्ब है, से एक, अभी वर्ब जब आगे पढ़ाएंगे तो पूरा डिफाइन करेंगे, अभी एक लाइन में समझ लो। से एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में
सिंगल सब्जेक्ट रखती है, सिंगल सवारी रखती है। क्या रखती है? सिंगल सब्जेक्ट रखती है। और टेल एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में डबल सब्जेक्ट या डबल सब्जेक्ट का भाव रखती है, या मतलब डबल सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। याद रखो, या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होगा या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भाव होगा, तब आप टेल लगाओगे। और से जो है पूरे अंग्रेजी ग्रामर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट रखती है। समझ में आया? अभी जब वर्ब पढ़ाएंगे तो ऐसा क्यों होता है, पूरा एकदम पिक्चर साफ साफ दिखाई देगी। जैसे बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा था, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा था, ये सारी चीजें आपको समझ में आई, वैसे ही ये भी आपको बिल्कुल पिक्चर के जैसा समझ में आएगा, ठीक है। एक नंबर आपका ये कंफर्म हो गया, ये कितना है, ये एक नंबर है। क्या है? ये एक नंबर है। से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, ठीक है। बता दिया ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बता दिया। दूसरा नंबर बेटा यहां पर लगता है, दूसरा नंबर असर्टिव सेंटेंस का पढ़ा रहे बच्चों, ध्यान देना असर्टिव सेंटेंस का, किसका, असर्टिव सेंटेंस का। दूसरा नंबर यहां पर लगता है कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या लगेगी बच्चों असर्टिव सेंटेंस में, दैट, दैट ही क्यों, दैट माने होता क्या है, दैट माने होता है यहां जब कंजंक्शन लगती है तो दैट का भाव बदल जाता है, तो दैट का भाव बदलता है कि क्या में, ठीक है, किसमें, कि क्या में, ठीक है, कि क्या में, ठीक, दैट का भाव बदल जाता है। दैट ही क्यों लगाते हैं, जाकर अभी अगर ध्यान से देखना, अभी हमने आपको पढ़ा, आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, नाउन क्लॉज का असर्टिव सेंटेंस बनाने का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है बेटा, मेन कंजंक्शन क्या होता है, दैट होता है। मतलब असर्टिव सेंटेंस का अगर नाउन क्लॉज बनेगा तो उसका मेन कंजंक्शन क्या होगा बच्चों, दैट होगा। क्या होगा? दैट होगा। और दैट, दैट क्यों लगाते हैं नाउन क्लॉज बनाने के लिए, दैट ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि यह उसका मेन कंजंक्शन है, मुख्य कंजंक्शन है, ठीक। दैट का माने यहां पर क्या होता है यह भी बता दिया आपको। अब तीसरा पॉइंट आता है बेटा यहां पर किसका, टेंस का, किसका, टेंस का, किसका, टेंस का, किसका, टेंस का। टेंस आता है कि नहीं आता है, सबसे जरूरी बात तो बच्चों ये, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बना लेते हैं लेकिन कौनो बच्चा को यही नहीं पता कि ये टेंस क्या है, टेंस क्या है यही नहीं पता है, तो टेंस आना जरूरी है, वो भी पढ़ाएंगे। लेकिन अभी इसको देख लो, असर्टिव सेंटेंस पढ़ा रहे, तीन चीजें आप, दो चीजें अभी आपको क्लियर कर दी, से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, कंज क्यों ये भी बता दिया। दूसरा काम क्या है असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस क्या लगता है, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होती है, दैट होती है। दैट ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि नाउन क्लॉज का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है बच्चों, दैट होता है, ठीक। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, किस पे बेटा, थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, इसको मिटा देते हैं, पहले इनको डिलीट करते हैं, हाँ। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट क्या है, टेंस का, टेंस का क्या है, देखो जैसे लिख के आया, ठीक, आपके सामने तीन टेंस लिखे हैं, ही सेंटेंस लिखे हैं जिसमें तीन टेंस है। पहला लिखा ही सेज कमेंट कॉमा यू आर ए गुड बॉय, दूसरा सेंटेंस है ही विल से कमेंट कॉमा यू आर ए गुड बॉय, तीसरा सेंटेंस है ही सेड कमेंट कॉमा यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। तीनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट, ठीक। ये पता है कि नहीं कि पूरे सेंटेंस में टेंस कौन बनाता, फिर से सुन लो, पूरे सेंटेंस में टेंस कौन बनाता, हु विल मेक द टेंस इन द सेंटेंसेस, हु
मेक द टेंस इन द सेंटेंसेस, पूरे वाक्य में सेंटेंस, पूरे वाक्य या सेंटेंस में कौन टेंस बनाता है, ये बात पता है कि नहीं? याद रखो, सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आती है वही टेंस बनाती है. क्या बनाती है? वही टेंस बनाती है. क्या बनाती है बच्चों? सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आती है वही टेंस बनाती है. सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आती है वही टेंस बनाती है. सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आती है वही टेंस बनाती है. ठीक, याद रखो. अगर, फिर से सुन लो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फटूरे टेंस में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फटूरे टेंस में, फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के ठीक बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद जो भी वर्ब आएगी उसको छूने की जरूरत नहीं है. सिंपल सी भाषा, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की नहीं जरूरत है. वह नहाने का बड़ा साबुन ओके गुलाबी है. फिर से ध्यान से सुन लो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोई जरूरत नहीं है. फिर से सुन लो एक बार बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में, सेंटेंस में टेंस को बदलने की कोई जरूरत नहीं है. यह बिल्कुल परफेक्ट है, इसको कोई भी नहीं बदलेगा. बाकी कंजंक्शन, पर्सन, वो बदलना है, टेंस नहीं बदलना है. बाकी सब कुछ बदलेगा, पर्सन भी बदलेगा, कंजंक्शन भी लगेगा, वो सब लगेगा, लेकिन टेंस को बदलने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अभी टेंस बता रहे, बाकी दो चीजें बता चुके हैं. अब दिक्कत कहां है? दिक्कत इन महोदय में पास्ट में. सुन लो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में, किसमें बेटो, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में, फिर से सुन लो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के ठीक बाद इमीडिएटली जो वर्ब आएगी उसकी पास्ट फॉर्म कर देना. गो का पास्ट वेंट होता है, इज का पास्ट वाज होता है, हैज का पास्ट हैड होता है, जो भी. फिर से सुन लो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आएगी उसकी पास्ट टेंस करना है, बस और कुछ नहीं करना है. बाकी तुम्हारा सेंटेंस बन गया. ठीक है, आगे क्लास बाद में.